हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल थिंग यूट्यूब चैनल वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। एसएससी जीडी के तरफ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के चलते इनकी नई वेबसाइट बनी है उसके वजह से वो कुछ अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने कल 22 तारीख को अपना दो नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है। चलिए उसको देखते हैं। इनका पहला नोटिफिकेशन ये है, इस पर हम क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा, तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका नोटिफिकेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने इसमें, मैं आपको शॉर्ट में करके बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा एक पैराग्राफ है, वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बता रहे हैं कि इनका कैंडिडेट ऑफ कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2018 में भी प्लेस नॉट बी फैसिलिटी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन विच शेड्यूल बी अवेलेबल एंड कैंडिडेट ऑन द न्यू वेबसाइट ऑफ कमीशन फ्रॉम 21/7/2018 कुड नॉट बी डन ड्यू टू मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, इसमें शॉर्ट फॉर्म बता सकते हो क्या पता है, इनका ये जो इनका वैकेंसी है, इनका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 तारीख को डालने वाले थे, लेकिन इन्होंने एक नई वेबसाइट बनाई है। तो फ्रेंड्स, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उन्होंने अब 24 देख सकते फ्रेंड्स, 24 तारीख को यहाँ देखें, 24 तारीख को अब ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कल से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये चलेगा, इसका लास्ट डेट होगा 24/8/2018 शाम 5 बजे तक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। उसमें क्या बताया है, फिर दूसरा नोटिफिकेशन फ्रेंड्स थोड़ा लंबा है, इसको भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। डाउनलोड हो रहा है, इसे खोल ले दीजिए। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में हमें ये बताया है, देखते हैं फ्रेंड्स क्या बताया है। ये देख फ्रेंड्स, आप देखिए फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया है फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, इसमें ये बताया कि फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि फ्रेंड्स, जैसे जिन्होंने पुराने, इनके पुराने वेबसाइट में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, अपनी आईडी और पासवर्ड जनरेट किया था, पुराना इनका जो आईडी जनरेट हुआ होगा, जिनके पास पुरानी आईडी और पासवर्ड है, तो फ्रेंड्स वो अब नई वेबसाइट में काम नहीं करेगी, तो आपको नई आईडी बनानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, सेकंड में आपका बताया है कि आप केयरफुली रजिस्ट्रेशन करें और केयरफुली अप्लाई करें फॉर्म। फ्रेंड, थर्ड में इन्होंने ये बताया कि फ्रेंड्स, आपके वो मोबाइल, एक मोबाइल नंबर जिस पर आपको ओटीपी आएगा रजिस्ट्रेशन, वो नंबर ऑन रहना चाहिए, और वर्किंग ईमेल आईडी, उस पर भी आपको ओटीपी आएगा और एडमिट कार्ड इसकी न्यूज़ आती रहेगी, तो वो भी फ्रेंड्स आपका ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए और वो ऑन रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये सब आप केयरफुली करें। फिर इनका सी पॉइंट भी दे रखा है, आधार नंबर, आधार एनरोलमेंट नंबर, ये डालना है आपका, आधार नंबर वगैरह डालना। अगर आपके पास आधार नंबर है नहीं, आधार कार्ड नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड या एम्प्लॉयमेंट आईडी, इनमें से कोई एक होना चाहिए, वरना आप अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, फिर डी में इन्होंने ये बताया कि फ्रेंड्स, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और रोल नंबर और पासिंग ईयर के साथ। और फ्रेंड्स, ई में इन्होंने ये बताया है कि स्कैन फोटो साइज जेपीजी में होना चाहिए, 20 KB to 50 KB के बीच में, और फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, वरना रिजेक्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, एफ में इन्होंने ये बताया कि स्कैन सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 KB to 20 KB के बीच में, और जो सिग्नेचर जो आप स्कैन करके डालेंगे फ्रेंड्स, वो ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड, जी पॉइंट में ये बताया कि आधार नंबर एंड आधार एनरोलमेंट नंबर इज़ नॉट प्रोवाइड स्कैन। अगर आपके पास आधार नंबर और आधार एनरोलमेंट नंबर नहीं है, तो फ्रेंड्स आप LIT मतलब लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की फ़ोटो लेके आपको 10 KB to 30 KB के बीच में आपको अपलोड करना है, ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, मतलब थंब हैंड के
भी सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, थंब हैंड लेफ्ट हैंड के थंब की आपको फ़ोटो लेनी है 10 KB to 30 KB के बीच में आपको, और अपलोड करनी है, ब्लर नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स एच पॉइंट में ये बताया इन्होंने कि आपकी और स्पेशलिटी डिस्टेंस 40% टू सबमिशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब स्कैन सर्टिफिकेट, इसमें सर्टिफिकेट के बारे में बताया फ्रेंड्स, तो आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। जो जो मेन मेन पॉइंट है वो बताता हूँ आपको, आपको मैं फ्रेंड्स ये पॉइंट दिखाता हूँ जो आपको ये देख सकते हैं, जो 6 में आपका बोल्ट में लिखा हुआ है, फॉर फिलिंग अप टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ स्टेप्स बताए इन्होंने, इसमें फ्यू सर्टिफिकेट डिटेल्स, एक आपको एक और सर्टिफिकेट डिटेल्स, आपको आधार नंबर और नेम ऑफ फादर मदर नेम डेट एक्सेट्रा, वो आधार नंबर से रिलेटेड होना चाहिए और फ्रेंड्स, और वो सर्टिफिकेट से मैच करने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी नीचे इन्होंने बताया कि बी पॉइंट में आधार नंबर, आधार एलिमेंट नंबर, आइडेंटिटी कार्ड एंड इट्स नंबर, एनी ऑफ दिस नंबर्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी गिवन, ये सब डालना है आपको। फिर आपका इसमें 10th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर फिल योर फादर नेम जो 10th की मार्कशीट में, फिर फिल योर मदर नेम जो 10th की मार्कशीट में, जो नाम लिखा है सेम वही डालें। फिल योर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में, आप वही सेम डालें, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स ये बताया गया है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको सब 10th का डालना है, रोल नंबर ईयर वगैरह सब डालना है। तो फ्रेंड्स इसमें यही न्यूज़ थी फ्रेंड्स, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है सारे, इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के आपको बताया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी, फ्रेंड्स जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स, और किसी के लिए हेल्पफुल न्यूज़ हो तो फ्रेंड्स जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।